आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। अमरिया प्रेस क्लब ने ठंडा शरबत एवं मीठे जल का लगाया प्याऊ। लोगों की बुझी प्यास, शरबत पीकर लोग हुए तरोताजा। आज भीषण गर्मी के मौसम को देखते हुए अमरिया प्रेस क्लब के सदस्यों के द्वारा अमरिया तहसील गेट के सामने मीठा शरबत व ठंडे शीतल पेयजल की व्यवस्था कर प्याऊ लगाकर लोगों को भीषण गर्मी से निजात दिलाने की एक अच्छी पहल की गई। इस शुभ कार्य के अवसर पर उप जिलाधिकारी अमरिया आशुतोष गुप्ता ने फीता काटकर और लोगों को शरबत पिलाकर उद्घाटन किया। इस मौके पर तहसीलदार जनार्दन सिंह, खंड विकास अधिकारी नेमचंद, ब्लॉक प्रमुख निशांत सिंह, थाना प्रभारी के वर्मा, ईंट भट्टा यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष मुश्ताक अहमद अंसारी, अमरिया व्यापार मंडल के अध्यक्ष असगर अली, इमरान कादरी, महामंत्री मदन लाल, जमा मलिक मोहम्मद राशिद, राजन अरोड़ा, अंशुल यादव, अमरिया ग्राम प्रधान मिनहाजुद्दीन उर्फ मुन्नू मियां ने भी राहगीरों को शरबत वितरित किया। भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। 11 बजे से 3 बजे तक प्याऊ चलाया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार असलम जावेद अंसारी, अफसार अहमद कुन्नू, पत्रकार अब्दुल रशीद अंसारी, मोहम्मद आरिफ, सिराज मलिक, तारिक खान, जाहिद अली, राजेश गुप्ता, विजय गुप्ता, रियाज खान, फिरोज खान, समीर खान, सर्वेश कुमार, सुमित गुप्ता, हरीश कुमार, रवि गुप्ता, राजेश गुप्ता, बुद्धसेन कश्यप, सहरोज कुरैसी, सलमान सकलेनी, परमेश्वरी दयाल, शोएब अंसारी, रियाज खान परेबा, महेंद्र गंगवार आदि पत्रकार मौजूद रहे। पीलीभीत अमरिया से अब्दुल रशीद अंसारी की रिपोर्ट। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।